दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली आम आदमी पार्टी पर भाजपा ने पलटवार किया है। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, स्वर्ण मंदिर में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला से स्पष्ट है कि पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आप संयोजक दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की घटनाओं पर चुप हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। स्वर्ण मंदिर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला लोगों की आस्था पर भी हमला है। आकर लताड़ना पड़ा था पंजाब की सरकार। मैं पूछना चाहती हूँ कि 18 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट को एक बहुत ही गहन टिप्पणी करनी पड़ी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि पंजाब की पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में गठजोड़ है। There is a criminal nexus between the investigating agency of Punjab police and the criminal gangsters who are operating relentlessly and unabashedly out in the open in Punjab. Today's assassination attempt on Honorable Shri Sukhbir Singh Badal is something which shocks everybody's conscience.